हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष गोसाई फिर से हाजिर हो चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है दिव्य पेय। अगर आप चाय के शौकीन हैं या फिर हेल्दी ड्रिंक पी के अपनी हेल्थ मेंटेन करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपको बहुत काम की जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। जैसे कि आप इस पैकेट को देख पा रहे हो, इसका नाम है दिव्य पेय जो कि पतंजलि फार्मेसी के द्वारा बनाया गया है। जैसे हम ब्लैक टी, ग्रीन टी या फिर काढ़ा पीते हैं, उसी तरह से ये भी एक हेल्दी ड्रिंक है और आपको 100 ग्राम की पैकिंग देखने को मिलती है जिसका प्राइस है 55 रुपये। आप इसे पतंजलि के किसी भी स्टोर से ले सकते हैं या फिर इसका मैं नीचे एक लिंक दे दूँगा। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि किन किन जड़ी बूटियों से इसे बनाया गया है। इस हर्बल टी को बनाने के लिए 30 जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि एला लघु, एला बड़ी, दालचीनी, लौंग, जावित्री, काली मिर्च, गुलाब, ऐसे कई सारी जड़ी बूटियां इसमें डाली गई हैं, तब जाके ये हर्बल टी तैयार की गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके फ़ायदों के बारे में बात कर लेते हैं कि इस हर्बल टी को पीने के क्या क्या फ़ायदे हमें होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वजन को कम करने की। जी हाँ, ये वजन को कम करने का दम रखती है। वैसे ये वजन कम करने वाला प्रोडक्ट नहीं है, मगर आप इसे पीते हैं तो ये वजन कम करने में आपकी हेल्प जरूर करेगा। इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ हैं वो फैट बर्निंग के प्रोसेस को तेज करती है, साथ ही साथ जो बार बार भूख लगने की समस्या होती है उसको ये ड्रिंक कम करता है, जिससे कि वजन को कम करने में हेल्प मिलती है और ये आपकी पाचन क्रिया को बूस्ट करने का काम करेगा ताकि आपका पाचन तंत्र मजबूत हो और आपका पेट अच्छी तरह से साफ हो। ये ड्रिंक आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करेगा, साथ ही साथ ये कफ और कोल्ड के लिए भी बेस्ट रहता है। आपको खांसी, गला ख़राब है, गला बैठ गया है तो आप इसकी चाय बना के पी सकते हो। आपके गले की सभी परेशानी को ये दूर कर देगा। अगर आपके शरीर का इम्यून सिस्टम वीक है तो आप इसे ज़रूर पिएं। 30 तरह के नेचुरल जड़ी बूटियां आपके शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करेगा, जिससे कि आपको छोटे मोटे रोग होंगे ही नहीं। अगर आपका शरीर सुस्त रहता है, काम करने का मन नहीं करता है तो आप इस दिव्य पेय को जरूर पिए, जिससे कि आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। अब आपको इस दिव्य पेय को बनाना कैसा है। सबसे पहले आपको एक कप पानी लेना है, उसे गर्म कर लेना है और उसमें 3 ग्राम की मात्रा में एक छोटा चम्मच ले लें। छोटा चम्मच लेंगे उसमें 3 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद आपको इसे अच्छे से पकाना है, फिर इसमें थोड़ी सी चीनी और दूध डाल लेना है। अगर आप, वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप दूध चीनी डालना चाहते हो तो आप उसको वैसे भी बना सकते हो। जैसे चाय बनाते हैं वैसे ही आपको इसे बनाना है और दूध ऐड करने से आपको टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप बिना चीनी दूध के पी सकते हो तो तभी आप पी सकते हो। चाय अच्छे से बन जाने के बाद छानकर आपको पीना है। गर्मियों में आप इसे 1 टाइम पी सकते हो और सर्दियों में 2 टाइम पी सकते हो। टेस्ट की बात करें तो आपको देखने में थोड़ा कड़वा सा लगेगा, मगर पीने में आपको पूरा चाय का टेस्ट आएगा। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप इसे डेली यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी पहले से ही कोई मेडिकल हिस्ट्री अच्छी नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हो तो इसे आप डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। बाय बाय।